राम मंदिर एक ऐसा नाम जिससे देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार होना हिंदुओं के लिए बड़ी जीत है, लेकिन इस सपने को साकार करने में एक इंसान ने अहम भूमिका निभाई है। उनका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल। उनका नाम लिए बिना राम मंदिर से जुड़ी कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। राम मंदिर के निर्माण में उनका योगदान ऐसा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आइए जानते हैं उन्होंने राम मंदिर को लेकर ऐसा क्या किया जिससे उनका नाम आज भी याद रखा जाता है। कौन थे प्रोफेसर बीबी लाल? प्रोफेसर बीबी लाल का जन्म यूपी के झांसी जिले के बेडोरा गांव में 2 मई 1921 को हुआ था। प्रोफेसर बीबी लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल था। वे पेशे से एक पुरातत्वविद थे। प्रोफेसर बीबी लाल अपने पुरातात्विक खोजों के लिए देश में काफी मशहूर थे। उन्होंने यूपी के हस्तिनापुर, उड़ीसा के शिशुपालगढ़, दिल्ली के पुराना किला, राजस्थान के काली बंगन समेत ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई का नेतृत्व किया। वे ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े इतिहास के साक्ष्य दुनिया के सामने रखते थे। लेकिन इन सभी खोजों में से उनकी सबसे मशहूर खोज थी अयोध्या की बाबरी मस्जिद के नीचे से राम मंदिर के सबूत। राम मंदिर का सबूत कैसे खोजा? प्रोफेसर बीबी लाल ने सबसे पहले राम मंदिर के सबूत दिए और इस कारण उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। वो ये बताने वाले पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की नींव राम मंदिर पर खड़ी है। अपनी इस रिसर्च से वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। लेकिन प्रोफेसर बीबी लाल ने राम मंदिर का सबूत आखिर कैसे खोजा, आइए इसकी भी कहानी को समझते हैं। दरअसल राम मंदिर का मामला सैकड़ों साल पुराना है। मुगल काल में राम मंदिर तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बनाए जाने की बात कही गई, जिसके बाद इस बात की तह तक जाने के लिए 60 के दशक में बीएचयू के प्रोफेसर ए.के. नारायण ने पहली बार अयोध्या के आर्कोलॉजिकल सर्वे का काम शुरू किया, लेकिन किसी कारण से इस सर्वे का काम आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद अयोध्या में खुदाई का काम प्रोफेसर बीबी लाल ने अपने हाथों में ले लिया। उन्हें खुदाई में प्राचीन वस्तुएं मिली जिसकी जानकारी उन्होंने पीएचयू प्रशासन को दी। इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में यह बात साबित की गई कि अयोध्या में राम मंदिर था। राम मंदिर के सबूत पर रखे कई तर्क। प्रोफेसर बीबी लाल ने बाबरी मस्जिद की खुदाई के बाद उसकी संरचना को लेकर कई तर्क पेश किए थे। उन्होंने अपने एक तर्क में कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे जैसी संरचना थी, राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनके इस तर्क ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। प्रोफेसर बीबी लाल ने बाबरी ढांचे के ठीक दक्षिण में एक इलाके की खुदाई के दौरान स्तंभ मिलने के प्रमाण दिए थे, जिसको लेकर उन्होंने 7 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट भी लिखी थी। हालांकि इस परियोजना को बीच में ही रोक दिया गया था। प्रोफेसर बीबी लाल के बार बार कहने के बावजूद इसे दोबारा शुरू नहीं किया गया और 10 से 12 साल तक ये बंद रहा। इसकी अंतिम रिपोर्ट कभी पेश नहीं की गई। हालांकि उनकी ये प्रारंभिक रिपोर्ट भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की ओर से 1989 में रामायण और महाभारत की ऐतिहासिकता पर अपने खंड में प्रकाशित की गई थी। एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों का पता लगाने में प्रोफेसर बीबी लाल का बड़ा योगदान था, जो राम मंदिर होने के समर्थन में एक प्रमुख तर्क था। और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर गौर करने के बाद मंदिर के पक्ष में ही फैसला सुनाया था, जिससे राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सका। किताब पर भी छिड़ी बहस। प्रोफेसर बीबी लाल अपनी किताब राम इज हिस्टोरिसिटी मंदिर एंड सेतु एविडेंसेस ऑफ लिटरेचर आर्कोलॉजिकल एंड साइंसेस को लेकर भी चर्चा में रहे। 1990 में उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसे स्तंभ मिले हैं। अब अपनी रिसर्च पर उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव राम मंदिर पर रखी गई है। इतना ही नहीं, किताब में ये भी लिखा गया कि खुदाई में बाबरी मस्जिद के नीचे पत्थर के 12 स्तंभ पाए गए। ये स्तंभ मस्जिद संरचना सिद्धांत से बिल्कुल अलग थे। इन स्तंभों पर विशिष्ट हिंदू चिन्ह और हिंदू देवी देवताओं की आकृति थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये स्तंभ मस्जिद के अंग नहीं है। ये स्तंभ मस्जिद बिल्कुल नहीं थे। जानकार बताते हैं कि प्रोफेसर बीबी लाल का भगवान राम के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने रामायण से जुड़े स्थलों का उत्खनन कराया और कई ऐतिहासिक दस्तावेज दुनिया के सामने रखे। ये प्रोफेसर बीबी लाल का राम मंदिर के प्रति ही लगाव था, जिससे हिंदुओं का राम मंदिर का सपना पूरा हो सका। टाइम्स नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।